नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 2 के अध्याय 5 जल और वायु अध्याय पढ़ेंगे। हम सभी को पीने के लिए जल चाहिए। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। हमें बहुत से कार्य के लिए जल ही आवश्यकता होती है। प्यास लगने पर हम जल पीते हैं। जल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए और पौधे उगाने, निर्माण कार्य आदि, आग बुझाने में भी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जल का उपयोग अनेक तरह या किन किन जगह पर किया जाता है, ये इसमें बताया गया है। आगे है, पशुओं और पक्षियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल प्राप्ति के स्रोत आकाश में जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, नालों, झीलों, तालाबों तथा कुओं में चला जाता है। ये जल के अन्य स्रोत हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पहला वाला चित्र कुएं का है। अभी दूसरा वाला चित्र बारिश होते हुए दिखाई दे रहा है। ये तीनों आपके जल के स्रोत बताए गए हैं। वर्षा का बहुत सारा जल रिस रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, यानी कि भूमि होती है वो वर्षा के जल को सोख लेती है। इस जल को कुओं और हैंडपंप में खींच खींच कर बाहर निकाला जाता है। ये दूसरा तीसरा वाला चित्र आप देख सकते हैं, हैंडपंप का है। जल के अपार भंडार को समुद्र कहा जाता है। समुद्र का जल खारा होता है। गंदा व दूषित जल बहुत सी बीमारियां फैलाता है। जल कई कारणों से दूषित होता है। नदी या तालाब में कपड़े धोना, पशुओं को नहाने, मलमूत्र त्यागने, पशुओं पक्षियों को नदी में डालने, फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट व रसायन युक्त दूषित जल डालने से जल दूषित होता है। आगे है, दूषित जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमें जल को प्रदूषण को हर तरह से रोकना चाहिए। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आगे है वायु। अभी हमने जल के बारे में पढ़ा, अभी हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। हमें जीवित रहने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में ही जीवन जीने के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई आती है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का एक घेरा, वायु का एक घेरा होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और वहाँ पे हमें सांस लेने में कठिनाई आती है, क्योंकि वहाँ पे वायु का प्रभाव अत्यधिक होता है, इसलिए हम वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई आती है। हमारे यहाँ पे वायु का दबाव होता है, वायु का जो मान होता है वो समान है, इसलिए वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को पवन कहा जाता है। हम पवन को देख नहीं सकते कि जब यह चलती है तो इसको अनुभव कर सकते हैं। इसमें गति होती है और यह एक विशेष दिशा में बहती है। यह बल भी लगाती है। वायु होती है जो बल लगाती है और यह एक विशेष दिशा में बहती है। धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। तेज और मजबूत वायु का परिणाम आंधी होती है। हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। तेज और मजबूत वायु का परिणाम आंधी होती है और अत्यधिक तेज होने पे ये तूफान का रूप ले लेती है। श्वास लेने तथा पदार्थों के जलने के लिए वायु आवश्यक होती है। कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु से पवन चक्कियां भी चलती है। यहाँ वायु से बिजली भी बनाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस मिलती है। वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। खुले में मलमूत्र त्यागने से वायु प्रदूषित होती है।
घरों का धुआं, घरों के धुएं निकलने वाले धुएं से भी पर्यावरण दूषित होता आता है। ये हमें उन्नत चूल्हा बायोगैस आदि का उपयोग करके धुआं कम फैलाना चाहिए। परमाणु परीक्षण, परमाणु बमों के विस्फोटक से वायु प्रदूषित होती है, इससे हमारा जीवन संक्रमित हो जाता है, अतः इसमें इन पर भी रोक लगानी चाहिए। तब भी हमने जल और वायु का पाठ पढ़ा था, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये हम अभी करेंगे। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। आपको ये तीन प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने हैं। जल पीने के काम आता है, अगर ये सही है तो इसका उत्तर हाँ, अथवा यह गलत है तो इसका उत्तर नहीं में दीजिए। वर्षा जल का मुख्य स्रोत नहीं है, धीमी व मंद वायु को समीर कहते हैं, अगर ये तीनों सही है तो हाँ और गलत है तो नहीं में इनके सामने उत्तर लिखिए।